आजमगढ़ जिले में तमसा के तट पर भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ और उनके साथी पहुंचे। तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा रहा। आज तमसा के तट पर मां तमसा की आरती का कार्यक्रम था, जिसमें दिनेश लाल यादव भी शामिल होने के लिए पहुंचे थे। सबसे पहले उन्होंने मां तमसा की आरती उतारी, लेकिन आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में कुछ लोगों ने पैरों में जूते और चप्पल पहनकर मां तमसा की आरती उतारी, जिसके चलते कहीं ना कहीं हिंदू धर्म की परंपराओं के साथ खिलवाड़ किया गया है और कहीं ना कहीं इस आरती में ये बड़ी चूक हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लोग पैरों में जूते और चप्पल पहनकर मां तमसा की आरती उतार रहे हैं। आपको बता दें कि आज तमसा तट पर मां तमसा की आरती के दौरान ये सब हुआ। खैर, आपको ये भी बताते चले कि जब से भाजपा ने दिनेश लाल को अपना प्रत्याशी बनाया है, तब से दिनेश लाल राजनीति में मंझे हुए खिलाड़ी के तौर पर सामने आए हैं और लगातार जनता के बीच मौजूद हैं और लगातार जनसंपर्क में हैं। इसी कड़ी में तमसा तट पर आरती का आयोजन किया गया है। मां तमसा की आरती कर दिनेश लाल ने कहा कि वो बेहद धार्मिक हैं और उन्हें ये सब करके बहुत अच्छा लगता है।